नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि मेरे पास एक भाई साहब का और कमेंट आया था, जो कि भाई साहब ने कमेंट किया है, भाई सोयाबीन मिल्क जो होता है, सोयाबीन का मिल्क होता है, उसके अंदर हम रंग कार्ड डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। जो और भी बहन भाई देख रहे हैं, आपके मन में कोई सवाल है तो वीडियो को आप कॉमेंट के अंदर डाल के पूछ लेना। भाई आप किस विषय में जानना चाहते हो, दावत के बारे में या रेसिपी के बारे में, जो भी आपके मन में सवाल है वो कमेंट कर देना, ठीक है भाई साहब। जो भी आप कमेंट करते हो बहुत ही मन से आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। आप वीडियो को एक भी बार लाइक नहीं करते, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, थोड़ा हमने भी सपोर्ट मिल जाए, ताकि हमारी जो वीडियो बनती है आपको पसंद आती है, इसलिए हम लाइक के लिए आपके वो आपको बोलते हैं। जो कि भाई साहब का ये सवाल था, डाल सकते हैं हम रंग कार्ड डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, बताए उस विषय में बताए भाई। वो थोड़ा सा सोयाबीन का मिल्क होता है, जो कि थोड़ा सा पिलवासपन में होता है, पीला पीला होता है, इसलिए भाई साहब रंग कार्ड के लिए बोल रहे हैं हमें। भाई साहब इसमें रंग कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है, जो कि रंग कार्ड यदि हम इसके अंदर डालते हैं तो दूध खराब हो जाता है, हैवी टेम्परेचर में होता है, जो कि गर्मा ज़्यादा होती है रंग कार्ड के अंदर, इससे दूध खराब हो जाएगा। जो कि मिल्क सोयाबीन मिल्क होता है काफ़ी समय तक रखने के लिए, जो कि दवाई के तौर पर भी काम किया जाता है और उसको लंबे समय तक रखते हैं जो सोयाबीन मिल्क होता है, इसलिए हम इसके अंदर येलो कलर है वो येलो कलर ही हम पी सकते हैं, अच्छा रहेगा। रंग कार्ड यदि डालते हैं तो उससे दूध खराब होने का काफ़ी चांस हो जाएगा, इसलिए हमने रंग कार्ड नहीं डालना, वो एक किस्म का केमिकल ही होता है, रंग कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।